तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ ग्रीन स्क्रीन किस तरह से रिमूव की जाती है क्रोमा की आफ्टर इफेक्ट में। तो चलिए थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं कि ग्रीन स्क्रीन होती क्या है या ब्लू स्क्रीन होती क्या है। तो पहली बात तो यही कि ये कब यूज़ होती है, जब हमें अपना बैकग्राउंड रिमूव करके कोई दूसरा बैकग्राउंड लगाना होता है। आप में से बेस्टर लोग ये ऑलरेडी जानते होंगे। नाउ ब्लू वाई ग्रीन, ये दोनों कलर ऐसे हैं जो हमारे स्किन टोन्स में नहीं होते हैं, बाकी रेड हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, ये हमारे स्किन टोन में ऐड होते हैं। तो डेफिनेटली ब्लू स्क्रीन या ग्रीन स्क्रीन यूज़ करनी पड़ती है। होता क्या है, हमें अपने बीजी के पीछे एक सॉलिड कलर का बैकग्राउंड लेना होता है, और ये ब्लू स्क्रीन है, ब्लू और ग्रीन ये दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आपके कपड़ों में ग्रीन है तो ब्लू स्क्रीन प्रेफर करूँगा, और अगर ब्लू है तो ग्रीन कलर प्रेफर करूँगा, और अगर भाई कपड़ों में ब्लू और ग्रीन दोनों ही है तो फिर कपड़े चेंज करो ना। ये चीज़ दिमाग में बिठाते हो, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि ग्रीन स्क्रीन आफ्टर इफेक्ट में कैसे रिमूव करते हैं। जिसके लिए मैंने ना एक फुटेज डाउनलोड करके रखी है इंटरनेट से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है, आप वहाँ से आकर उसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वो क्लिप है, और तो गाइस यही वाली वो क्लिप है जो हम बनाने वाले हैं। चलिए गाइस इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये ईमेल व्हाट्सएप में ओपन करूंगा। और जितना पार्ट मुझे चाहिए मैं बस उतना ही क्रॉप करूंगा और देन ओके कर दूंगा। और इसके सारे पार्ट्स जो है अलग अलग कर लूँगा ताकि 3D इफेक्ट देने में मुझे आसानी हो, ये देख रहे हो। और हम इसको फोटोशॉप की फाइल में, अब मैं आफ्टर इफेक्ट में जाऊँगा और आफ्टर इफेक्ट में पेज लूँगा, अपना साइज लूँगा कैनवास, और उसी फाइल को यहाँ पर मैं ओपन कर दूँगा। यहाँ पे ओके, मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और एक एक चीज यहाँ पे मैं इसके यहाँ पे टाइमलाइन में ऐड करूंगा ताकि हमें बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इन सब पे मैं एस क्लिक करूंगा और इनका साइज में थोड़ा सा छोटा करूंगा जो कि हमारे कैनवास के साइज के फिट हो सके। और इनको 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि मूविंग में ये एक रियलिस्टिक फील दे। और इस वाले लेयर को मैं सिलेक्ट करके पी सिलेक्ट करूंगा और इस लेयर को पीछे ले जाऊंगा। कुछ इस तरीके से और दूसरी सारी लेयर्स को भी मैं पी सिलेक्ट पी प्रेस कर इनको भी मैं पीछे ले जाऊंगा कुछ ऐसे। एक्टिव कैमरा में आप देख सकते हैं इनके साइज थोड़े छोटे हो चुके हैं, तो मैं एस प्रेस करूँगा सबको सेट करके साइज फिर से ठीक कर लूँगा और अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा इसको। ये कहाँ पर एडजस्ट हो रहे हैं, बस अब ठीक है।
राइट क्लिक करूंगा, नूर में जाके न्यू में कैमरा, यहाँ पर एक 50mm का लेंस लूंगा। और व्यू आप टॉप देख सकते हो, कैमरे पे मैं पी प्रेस करूंगा, कैमरे को जस्ट पीछे ले जाऊंगा आगे। और यहाँ पे एनिमेट कर दूंगा इसको। कुछ इस तरीके से। अब आप व्यू देख सकते हो एक बार। बहुत ही कम मोशन डाला है, बस थोड़ी सी मूवमेंट हो। रिकर साइज फिर से आप ठीक कर लो। बस अब ठीक है, डन। और आप देख सकते हैं कोई बिल्कुल जो इफेक्ट चाहिए था वैसे ही आया है। ओके, कुछ इस तरीके से मूवमेंट करेगा जो अपने ऑब्जेक्ट को इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा राइट क्लिक कर। यहाँ पर लिख दूंगा वीडियो, यहाँ पर मैं वीडियो को कंट्रोल आई करके ऐड करूंगा। यहाँ पर मेरी वीडियो है, इस वीडियो को मैं डबल क्लिक करूंगा और जितना पार्ट मुझे चाहिए उतना ही सिलेक्ट करके बाकी को मैं डिलीट कर दूंगा। बस इतना, यहाँ पे बी प्रेस करूंगा। और यहाँ पे एन प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करवा दूंगा। ये हमारी फाइल आ चुकी है टाइमलाइन में। मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करूंगा क्योंकि हमारे बैकग्राउंड के आगे मर्जी हो सकती है। इतना ठीक है। और मैं सिंपल इफेक्ट में की के अंदर की लाइट को सिलेक्ट करूंगा और यहां से आई ड्रॉपर टूल से इसको पिक करवाऊंगा। कलर हो, ये देख लो बिल्कुल कट चुका है जो हमारा ग्रीन स्क्रीन है, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। वाइस ठीक है यार, आप देख सकते हो कि वीडियो हमारी बिल्कुल परफेक्ट है जो हमने किया था। ग्रीन स्क्रीन बिल्कुल रिमूव हो चुकी है, पता भी नहीं चल रहा कि ग्रीन स्क्रीन ऑब्जेक्ट है। ऐसा लग रहा है कि दोनों और बैकग्राउंड ये कार वीडियो के अंदर ही ऐड है। तो ठीक है, आप भी यार यू ट्राई करना इस टाइप की वीडियो।
ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।